राजसमंद जिले के कुशलपुरा पंचायत के देव डूंगरी गांव में शमशान की भूमि को लेकर हुए विवाद के बाद अब सालवी और रावत समाज आमने सामने है। इस प्रकरण में दोनों ही समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज समाज के बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पुलिस में दर्ज SC ST के प्रकरण में आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही के साथ ही गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है, जबकि रावत समाज के लोग पूरे प्रकरण को जानकारी के अभाव में हुआ विवाद बता रहे हैं। सालवी समाज महासभा के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश नागर ने बताया कि जिला कलेक्टर के माध्यम से गांव में शमशान की भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन उसमें शव दफनाने को लेकर रोका गया था। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में शव दफनाया गया। इस घटनाक्रम को लेकर भीम थाने में दर्ज 22 नामजद लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गांव में अब गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है कार्रवाई करने और गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग को लेकर सालवी समाज के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उधर रावत समाज के लोगों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि यह विवाद जानकारी के अभाव में हुआ था। सरपंच और प्रशासन द्वारा शमशान के लिए जमीन आवंटित करने की जानकारी गांव में नहीं दी गई थी। शव दफनाते समय जब महिलाओं और पुरुषों ने आपत्ति जताई तो उनके साथ अभद्रता की गई थी, लेकिन अब 22 नामजद और करीब 100 अन्य लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकार की रावत समाज ने भी निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग की है। ये 2 गज जमीन की लड़ाई है हमारी, मुर्दे को भी 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है, उसकी लड़ाई है। कलेक्टर मोदी के माध्यम से जब हमें 1 बीघा जमीन अलॉटमेंट हो गई है, उसके अंदर हम दाह संस्कार करने के लिए गए तो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वहां पर पथराव किया गया और शमशान में दफनाने से रोका गया। उसके बाद में प्रशासन का ठीक सहयोग रहा और डेड बॉडी का वहां पे अंतिम संस्कार किया गया और उस प्रकरण में कई जाति सूचक शब्द और कई प्रकार के मामले आए, उसमें हमने पुलिस के अंदर ये मामला दर्ज करवाया गया, FIR दर्ज हुई, इसमें 22 नामजद के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, भय का माहौल है वहाँ पे। तो उससे एक तो पुलिस की अस्थायी चौकी वहाँ पे स्थापित की जाए और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय संगत उनको पनिशमेंट मिले। पिछले 3 महीनों से ये मामला चलता आ रहा है और पिछले 3 महीनों के बाद इस 31 तारीख को दीपावली के दिन सालवी समाज में एक और निधन हो गया था, जिनका भी अंतिम संस्कार उसी गोचर भूमि पर किया गया जहां पर 3 महीने पहले इन्होंने किया था। हमने प्रशासन को अवगत कराया तो प्रशासन डिप्टी साहब, DYSP साहब, SP साहब सब वहां पर मौजूद थे। उसके बाद पटवारी साहब, तहसीलदार साहब आए, तब हमें पता चला कि ये जो जमीन था 3 महीने पहले इन्होंने सरपंच पटवारी से मिलकर और किसी से मिलकर ऊंचे राजनीतिक पार्टियों से मिलकर इन्होंने अलॉट करवा दी। अलॉट करवाने की खबर हमें जैसे ही मिली तो हम सब ग्रामीणों को हमने बोला कि शांत हो जाइए, ये जमीन किसी माध्यम से अलॉट हो गई है यहाँ पर। उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर चले गए। इसके बाद इन्होंने हमारे 22 जनों के गांव वालों के नाम SC ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसकी हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं, जिसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए।